एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो उसे पूछा गया कि इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया, तो वो कहने लगा सीरत का सिर्फ एक वाकया मेरी हिदायत का सबब बन गया। वो कैसे? कहा मजलिस रसूल लगी थी, एक शख्स उठ के खड़ा हुआ, हुजूर मेरा बेटा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा, दुआ कर दीजिए मुझे बेटा मिल जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाने लगे तो उसी मजलिस के एक कोने से एक शख्स उठ के खड़ा हो गया, हुजूर मैं इसके बेटे को पहचानता हूँ, मैं अभी अभी फलां बाग के करीब से गुजर के आया हूँ, मैंने बच्चों के साथ इसके बेटे को खेलते हुए देखा है। बाप ने जब सुना कि मेरा बेटा फलां जगह पे मौजूद है तो फिर उसने दौड़ लगा दी, हाथ अभी उठे ही नहीं थे कि कबूलियत हो गई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया से बुलाओ, बुलाया गया, कहा बहुत जल्दी है। जी हुजूर, आप जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। फिर कई दिनों से इसकी माँ तड़प रही है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बेटे के लिए उदास है, बेचैन है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जाऊँ, बेटे को देख के अपनी आंखों को भी तस्कीन दूँ और तड़पती हुई माँ की ममता के दिल को भी करार आए। फरमाया ज़रूर जाओ, मैं तुझे रोकता नहीं, ना इसलिए बुलाया है, तुम्हें बुलाने का एक मकसद था। जी हुजूर इरशाद कीजिए। फरमाया जब बाग के किनारे जाओ और बच्चों के साथ अपने बेटे को खेलता हुआ देखो तो बेटे को बेटा बेटा कह के आवाज़ें ना देने लग जाना, उसका जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज की हुजूर मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के पुकारूं तो हर्ज भी क्या है? फरमाया तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे उसके जज्बात मजरूह होंगे, कलेजे पे छुरियां चल जाएंगी, आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता। तो अका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, लेकिन बच्चों के सामने, जिन बच्चों को तुम नहीं जानते हो, अपने बेटे को बेटा कह के भी नहीं पुकारना, ये शरीयत इस्लामिया का मिजाज है। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नमाइश ना करो। मेरे हुजूर ने यहां तक इरशाद फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ ना दो, या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविए और ऐसे वक्त में खाना पकाओ जब गरीब के बच्चे सो चुके हैं। अगर मजदूर के बच्चे जिद कर बैठे और उनका बूढ़ा बाप और मजदूर और गरीब बाप उनकी जिद को पूरा ना कर सका, उन बिलकते हुए बच्चों को चुप कौन करवाएगा? वो क्या किसी ने कहा था, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। कभी हमने इन लोगों के दर्द को भी समझा? हमने कभी सीरत के इन पहलुओं पर भी गौर किया? आज हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसका जहेज चारपाइयों पे बिछा देते हैं, और हमारे देहातों में रिवाज है कि खातून को कहते हैं कि जाओ पूरे मोहल्ले में, पूरी बस्ती में जाके ढंडोरा दे दो कि बेटी का जहेज देख जाओ। यार दिया तो अपनी बेटी को है और तोहफा दे रहे हैं, लोगों क्यों दिखला रहे हैं? सिर्फ दाद वसूल करने के लिए। मलिक साहब ने, खान साहब ने, चौधरी साहब ने हद कर दी, कमाल कर दी, बड़ा दिया, अपनी बेटी का घर भर दिया। यार तुमने तो दाद वसूल कर ली, चौपालों में बैठकों में तस्करा भी चला, तंदूरों पे औरतें बातें भी करने लगी, तुम्हारे नाम के झंडे भी गड़ गए, लेकिन तुमने ना सोचा तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए यतीम बच्चियां भी आईं, तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस बूढ़े मजदूर की बेटियां भी आईं जो सुबह उठ करके मजदूरों वाले अड्डे पे जाके बैठ जाता है और उसको बूढ़ा समझ के कोई कबूल नहीं करता, और वो कहता मुझे 10 रुपए कम दे देना, मुझे साथ ले जाओ, लेकिन उसको कोई साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। जब धूप खूब चमक पड़ती है और उसे मायूसी होती है कि अब कोई लेने नहीं आएगा, तो वो डब्बा लटका करके रोटी वाला घर जब वापस पलटता है तो कोई जानता है उसके कदम कितने बोझल होते हैं? आज वो अपनी बीवी को घर से निकलते कह के आया था कि जो रकम मिलेगी उसका आटा लेकर के आऊंगा, उसका घी लेकर के आऊंगा, आज वो खाली डब्बा रोटी का वापस जब पलटा के ले जा रहा होता है उसके लिए घर की दहलीज नहीं होती, पुल सरात होती है, और अंदर लोगों के कपड़े सी सी के और लोगों के घरों के बर्तन मांझ मांझ के अपने जहेज की चीजें बनाने वाली बेटियां जब अपने बाप को यूं आज भी खाली आता हुआ देखती हैं तो जो कचोके उनके दिल पे लगते हैं उसका मदावा किसके पास है? तुमने तो दाद वसूल कर ली लेकिन तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटियां भी गई। तारा टूटता सब ने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। काश के उन दर्दमंदों का भी हमने हाल पूछा होता और उन दुखियों के रिश्ते हुए जख्मों पर भी हमने मरहम रखी होती और हुजूर की सीरत के पैगाम को हमने समझा होता।
और हम अपनी मुआशरत और अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर इन चीजों को, अपने मोहल्ले और अपनी गली के अंदर इन चीजों को देखा होता। साहेब, रात की तन्हाई के अंदर गरीब के घर में जाके जो है वो पैसे फेंक आना, ये बहुत मुश्किल काम है। इससे मुआशरे में दाद नहीं मिलती है। लोग जो है वो अखबारात में इश्तिहार नहीं छपाते हैं। ये मुश्किल काम है, इसलिए इंसान इस मुश्किल घाटी नहीं चढ़ता है। अल्लाह ताला सूरतुल बलद में इरशाद फरमाया, फलक तहमल अकबा वमा अदराक मल अकबा फक्कु रकबा। अल्लाह अकबर। ओ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसरबा। ये मुश्किल घाटी है, किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ाना है, किसी लाचार के काम आना है, किसी दुखी के काम आना है। मेरे और आपके आका मौला हुजूर खत्मियुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते के अंदर एक यतीम बिलकता बच्चा देखा। हुजूर रुक गए, सर पे शफकत का हाथ रखा, पूछा, बेटे आज ईद का दिन है, तुम रो रहे हो? कहा, मेरा बाप फलां गजवे में शहीद हो गया, मेरी माँ का साया भी सर पे नहीं, भरी दुनिया में यहाँ मेरा कोई नहीं है, दीवार के साथ लग के बिलक रहा है, ईदगाह में इंतजार हो रहा है, हजारों लोग मुंतजर है। आका करीम ने दिल जोई यतीम को, यतीम की दिल जोई को इतना मुकद्दम समझा कि उसको लेके वापस घर आए और आके कहा कि इसको लिबास दिया जाए, इसको खाना खिलाया जाए। और उसको जिस जैसा हसनैन करीमैन को लिबास दिया गया था, ऐसा उस बच्चे को पहनाया गया, खाना खिलाया गया। हुजूर ने एहसास महरूमी दूर करने के लिए मजीद उसके सर पे शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कराते हुए फरमाया, क्या बेटा तू इस बात को पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे और फातिमा तेरी बाजी लगे? उसने कहा, ये रिश्ते मिल जाएं तो और क्या चाहिए? कहा, आज के बाद ये तेरे रिश्ते ठहरे। एक उंगली से हसनैन को लगाया है, एक उंगली से वो यतीम बच्चा है। हुजूर ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, और भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। ये यतीम जुबान हाल से कहता है, था तो यतीम लेकिन यतीमी का मजा आ गया, मुस्तफ़ा की उंगली थाम के जा रहा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत जब नस्ले नौ के सामने रखें, आज सिसकती इंसानियत की बात होती है तो आज दुनिया इसकी बात करती है, तो आइए अपने आका की सीरत को इस रूप के अंदर देखें, पढ़ें और उसकी खुशबू को फैलाएं और नस्ले नौ को बताएं कि आका करीम अलैहिस्सलाम किस तरह दुखियों के दर्द बांटने वाले थे और लाचारों, यतीमों और मिस्कीनों के किस तरह काम आने वाले थे। समालुल यतामा इस्मतुल अरामल, बेवाओं के आसरे थे और गरीब हो के यतीम हो के यतीम परवर थे। ये 9 साल की उम्र है हुजूर की, उस वक्त कहा जा रहा है हुजूर के लिए समालुल यतामा, यतीमों का सहारा और आसरा है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें सीरत के जो रुख दिए, सीरत के जो अंदाज सिखाए, यार हुजूर के तो मोजज़ात भी हम देखें तो वहाँ भी सीरत निखरती हुई दिखाई देती है। मेरी बात अगर तूल ना पकड़े तो मुझे अबू हुरैरा याद आ रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फरमाते हैं कि एक दिन हाल ये हुआ कि पेट में कुछ भी नहीं था, कई कई दिन गुजर जाते सुफ़ा के चबूतरे पे बैठने वाले लोगों के कि उनको खाने के लिए और पीने के लिए कुछ मुयस्सर ना आता। कहते मैं मस्जिद नबी के ऐसे जाविये पे आके बैठ गया जहां लोगों का गुजर होता था, आरजू ये थी कोई गुजरता हुआ शख्स मेरे चेहरे को पढ़ ले और मेरे मन में उतर जाए। हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, भूख से निढाल था, कब्र सीधी नहीं हो रही थी और सवाल करना मेरी गैरत के मुनाफी था। मेरा ख्याल था कि कोई गुजरता हुआ मेरे हालात से आगाह हो जाएगा। खैर, लोग गुजरते गए, मैंने कहा कोई बात करनी चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, मैंने उनसे कुरान मजीद की कोई आयत पूछी, उन्होंने आयत बताई और आगे बढ़ गए। शायद वो जल्दी में थे और जो मेरा मसला था वो मालूम ना हो सका उन्हें। फिर मैं मुंतजर रहा, हजरत सिद्दीक अकबर आए रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने उनसे